चैप्टर एट वर्कशीट फोर क्वेश्चन नंबर फोर टू पोल्स ऑफ हाइट सिक्स मीटर एंड इलेवन मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड दो पोल है जिसका हाइट है सिक्स मीटर और इलेवन मीटर वो एक प्लेन ग्राउंड में खड़े हैं तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे ई डी और ए बी ये दो लाइन खींचा और यहाँ पर ग्राउंड बनाया ये डी सी डी उसका हाइट में दे दिया हूँ सिक्स मीटर ए का हाइट दिया हूँ इलेवन मीटर और ये ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज ट्वेल्व मीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ट्वेल्व मीटर दिया है तो यहां से यहाँ तक हम लोग ट्वेल्व मीटर लिखेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स हम लोग को ई e और ए के बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट द टू पोल्स बी ई एक ई डी हुआ पोल इज इक्वल टू सिक्स मीटर एंड ए सी इज इक्वल टू इलेवन मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट बी डी सी इज इक्वल टू ट्वेल्व मीटर ठीक है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है ट्वेल्व मीटर यहाँ से एक लाइन पैरेलल बनाएंगे ई बी तक किसके पैरेलल रहेगा डी सी के यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन EB parallel to DC in rectangle EBDC EB is equal to DC and ED is equal to BC इन ट्रैंगल ई ए बीबी का वैल्यू निकल गया है ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है ट्वेल्व मीटर ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी लिख सकते हैं तो ए सी माइनस बी सी लिख दिया इस बड़े वाले लाइन ए सी में से बी सी माइनस करूंगा तो ए बी निकल जाएगा ए तो AB कितना निकल के आ जाएगा ए सी दिया हुआ है हमारा इलेवन सेंटी इलेवन मीटर माइनस बी सी दिया हुआ है सिक्स मीटर तो कितना आ गया ए बी इज इक्वल टू इलेवन माइनस सिक्स कितना होता है फाइव होता है तो फाइव मीटर हो गया ए बी का वैल्यू कितना हो गया फाइव मीटर और एंगल बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री अब हम लोग को निकालना है ई ए, ए निकालना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहां पे और क्या लिखेंगे ई ए, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना है फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव प्लस ई बी का स्क्वायर ट्वेल्व ट्वेल्व वन फोर्टी फोर तो ये दोनों को प्लस कर लेते हैं कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा वन सिक्सटी नाइन तो ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ सॉल्व करते हैं ई ए इज इक्वल टू अंडर रूट वन सिक्सटी नाइन ई ए इज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन किसका स्क्वायर होता है थर्टीन का स्क्वायर होता है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं थर्टीन इंटू थर्टीन तो ई e ए का वैल्यू कितना आ जाएगा ए इज इक्वल टू थर्टीन मीटर ये आ गया हमारा आंसर